खंडवा में आज बड़ी संख्या में दिव्यांगों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा और मंत्री विजय साहब पर एफआईआर दर्ज करने की दिव्यांगों ने मांग की। जहां दिव्यांगों ने बताया कि खंडवा जिले के हरसूद में 3 अक्टूबर को सर्व सुविधा युक्त ग्रामीण वाचनालय का भूमि पूजन कार्यक्रम था, जिसमें प्रदेश के वन मंत्री विजय साहब भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री विजय साहब वहाँ मौजूद लोगों से चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कई बार दिव्यांगों के बारे में बात करते हुए उन्हें लूला, लंगड़ा, चुड़ैल जैसे अमर्यादा शब्दों का प्रयोग किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। मंत्री विजय साहब के ऐसे शब्दों को लेकर दिव्यांग संगठन सहित सामाजिक सेवियों में अपना विरोध दर्ज कराया, तो वही दिव्यांग संगठन द्वारा आज मंत्री विजय साहब के विरोध पूरे प्रदेश स्तर पर धरने और ज्ञापन देने सहित एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर दिव्यांगों ने एसपी महेंद्र तारनेकर को एक ज्ञापन सौंपा और मंत्री विजय साहब पर एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की। इन दिव्यांगों का कहना है कि यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगे हम उग्र आंदोलन और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। इस मामले में दिव्यांग संगठन के अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या मांग लेकर आए हैं, कहाँ पर आए हैं? हम लोग दिव्यांग हैं, हम 6 संगठन वाले हैं। 6 संगठन से मिल के हम लोग यहाँ पे एसपी ऑफिस पे आए हुए हैं। हमारे खिलाफ जो हमारे कुछ अपशब्द मंत्री विजय शाह जी ने जो बोला है उसके खिलाफ हमें एफआईआर चाहिए। उस एफआईआर के यहाँ दर्ज कराने के लिए हम लोग सारे दिव्यांग लोग आए हैं। बंधाना से है, पुनासा से है, बांगला मतलब हर तरफ से, खालवा तक, हरसूद तक, मतलब इन लोगों का सिर्फ यही है कि भाई एफआईआर होना चाहिए। और सिर्फ ये खंडवा में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। हर मध्य प्रदेश के हर जिले का आदमी बोल रहा है कि एफआईआर होना चाहिए। हम इसलिए यहाँ तक आए। क्या हुआ, क्या था? इन्होंने एक 3 तारीख को एक कार्यक्रम था इनका चारखेड़ा में, वहाँ पे इन्होंने हम लोगों को दिव्यांग की वजह लूला लंगड़ा बोला। लूला लंगड़ा बोला वहां तक ठीक है, वो कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लूला लंगड़ा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा उनका कहना पड़ा। ठीक है, हम अगर नहीं बिगाड़ सकते तो आज इतनी पूरी तादाद के साथ इसीलिए आए कि आज हमकी आपकी एफआईआर कराना है। हम कैसे बिगाड़ सकते हैं ये आपको बताएं। आज क्या किया आपने? अभी हमने एडिशनल एसपी साहब को कागज दिए है एफआईआर के लिए। उन्होंने ये कहा है कि हम 2-3 दिन में इसको करवा देंगे। नहीं होती तो फिर धरना देंगे यही, और हाईकोर्ट में बैठेंगे, हम हाईकोर्ट तक जाएंगे। विजय बिल्लो ने दिव्यांग शक्ति सेवा समिति, क्या हुआ दिव्यांग दिव्यांगों ने मना हुआ है। दिव्यांग अधिनियम 2016 की धारा 11 यदि कोई व्यक्ति दिव्यांगों का शब्द अमर्यादित शब्द बोलता है उसको सजा का प्रावधान है। तो यहाँ के जो वन मंत्री है विजय साहब जी, उन्होंने एक कार्यक्रम में ओछी भाषा का प्रयोग किया, लंगड़े लूले, जो कि प्रतिबंधित भाषा है, वो पूरे का पूरा वायरल हुआ है मीडिया में, मतलब पूरे प्रदेश में, सोशल मीडिया में। तो बड़े आहत हैं लोग बात, तो एक प्रकार का वो बात हम तक भी आई, क्योंकि हम लोग संगठन चलाते हैं, ये बात वाजिब भी है। हम लोगों ने देखा उसकी स्क्रूटनी करी नहीं, इसका विरोध होना चाहिए भाई, उसका विरोध हुआ है। क्योंकि आज रैली निकालना था, आचार संहिता लग चुकी है, उसके परिपालन में हमने उसको कैंसिल कर दिया और हम यहाँ सब मिलकर समूह में आए हुए अनुमति लेके हमारी बात करी। एफआईआर शब्द का नाम दिया है मोदी जी ने, सम्मान एफआईआर मतलब बनवंत के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, होना चाहिए। ये नहीं करेंगे तो कोर्ट करेगा, निश्चित करेगा, और नहीं होगा तो हम लोग आमरण अनशन पे यहाँ बैठ जाएंगे जब तक एफआईआर का, क्योंकि विजय शाह एक बहुत बड़ा नेता है, उनके मुंह से शब्द हमको बहुत आहत हुई है, उनने कम से कम ऐसा नहीं बोला। तो वो जब बोल रहे हैं तो वहाँ की क्षेत्रीय जनता हमको मारेगी यार, क्या हुआ था दीदी बताइए। हम लोगों के मतलब जो विजय शाह जी हैं उन्होंने हमें मतलब कि दिव्यांगों को लूला लंगड़ा घेरा कह के बोला। उन्होंने कहा कि मेरा भूत एक बार बिगाड़ सकते हैं, पर दिव्यांग लोग मतलब कि जो हमारे जो मतलब जैसे हम वो शब्द हमें बार बार आता नहीं है, क्योंकि हमारे शब्द बहुत अच्छा है, एक दिव्यांग शब्द दिया है तो हम उसके ही शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो लूले लंगड़े हैं वो हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने मतलब कि विजय मंत्री शाह ने ये कहा है। हमारे क्या नाम है तुम्हारा? मनीषा गोस। घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का? रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर
अवस्थी चौराहा और रश्मि महलिक परिसर सेठी नगर है ना? जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488।